Maybe she belongs to those groups who used to call and then do blackmailing, you know. कुछ बोलकर पिक्चर्स दिखाएंगे, खुद का है नहीं है पता नहीं, एडिटिंग करेंगे आपको फेसबुक में भेजेंगे और ब्लैकमेल करेंगे, पैसा पूछेंगे अगर आप नहीं रहते हो तो, उस टाइप का है. लेट्स चेक इट आउट दोस्तों. ये मैं सिर्फ इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि ऐसे आईडीज़ में जो है मैक्सिमम फेसबुक में भेजते हैं लोग, एक्सेप्ट करते हैं और ये लोग जो है अपना प्रोफाइल पिक भी बहुत चुन चुन के अच्छा वाला देते हैं ताकि जो है लोग देख करके इम्प्रेस हो और एक्सेप्ट करें. उसके बाद जो है वीडियो कॉल के ज़रिए कुछ करते हैं, उसके बाद ब्लैकमेल करते हैं. तो मैक्सिमम लोग जो है अपनी इज्जत के खातिर या प्रेस्टीज के खातिर पैसे भी दे देते हैं. कभी कभी ऐसा भी होता है कि पैसे देने के बाद भी ये लोग जो है रिवील करते हैं. सो मुझे डाउट हुआ इसलिए मैं ये चेक करने के लिए चैटिंग के एक्सेप्ट किया ताकि इस आईडी को मैं जो फेसबुक के इसमें दे सकूं, जो दूसरे देख करके अलर्ट हो और कोई धोखा ना खाए और अपना नुकसान ना करे, चाहे इज्जत का हो या पैसे का. तो देखते हैं दोस्तों कब कॉल करती है. तो दोस्तों आपने देखा होगा कि विद इन अ सेकेंड हमारा जो पिक्चर मोड है वो ब्लर हो गया. वो इसीलिए हुआ क्योंकि हम अपने तरफ से जो है अपना पिक्चर पॉज कर दिए थे. और आप ये भी देखोगे कि पॉज करते साथ विद इन अ सेकेंड जो है बंदे ने फ़ोन काट दिया. किस लिए काटा है और क्या हुआ है वो हम आपको बाद में बताएंगे. आप देखिए. देखिए इस वीडियो में हम इतना ही कहना चाहेंगे कि इस तरीके के प्रोफाइल से दूर रहिए और जिसके भी प्रोफाइल में ये आईडी है उसको अनफ्रेंड करिए उसको. और कभी भी कोई भी आपको अगर डाउट हो, देखिए पहला बात तो हम पहले भी हम एक वीडियो डाले थे, वो हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग चेक कर लीजिएगा. उस वीडियो में भी हम बोले थे, अभी बोल रहे हैं कि कोई भी प्रोफाइल से अगर डायरेक्टली आप लोगों को अगर व्हाट्सएप का नंबर पूछा जाता है तो कहेंगे कि हमको चैट करना है या वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात करना है, तो उसमें मैसेंजर में भी ऑप्शन होता है. तो उसको छोड़ के व्हाट्सएप में इसीलिए आते हैं क्योंकि कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शंस कुछ कुछ साइट्स में होते हैं जो व्हाट्सएप में नहीं होता है. तो कभी भी ऐसा डाउट हो तो नंबर ज़रूर दीजिएगा व्हाट्सएप नंबर, और कॉन्फ्रेंस में भी आइएगा. पर इतना ध्यान रखिएगा, करना क्या है मैं बोल देता हूँ, अपने साइड में वीडियो को पॉज करिएगा क्योंकि जिस तरह से आप वाइड स्क्रीन में उनको देख रहे हो वो भी आपको वाइड स्क्रीन में देख रहे हैं. तो पॉज करने से ब्लर आता है तो कोई काम का नहीं रहता है, और थोड़ा सा भी आपका फेस अगर उनको डिटेक्ट होता है तो उसको एडिटिंग करके आपको ब्लैकमेल कर सकता है. ऐसा हुआ है एक बंदे के साथ हुआ है, 36,000 पे करने के बाद भी डिमांड कर रहे थे. तो उसके बाद हमने जो वीडियो डाला वो बनाया वो जो भी क्लिप्स है उसके द्वारा हमको शेयर किया गया और रिक्वेस्ट था तो हमने बनाया. और ये जो है फिर से कह रहे हैं कि अपने साइड में ब्लर करिएगा तो वो यूज़लेस होगा उनके लिए, और आप देखिएगा कि ब्लर करते साथ वो अपने जो है फ़ोन काट देंगे. तो और अगर आपको ये कन्फर्म हो जाता है कि वो फेक आईडी है तो उस आईडी को अपने प्रोफाइल में अपलोड करिएगा और दूसरों को बताइएगा ताकि दूसरे सतर्क रह सके, दूसरे अलर्ट रह सके, क्योंकि इससे बहुतों को जो है नुकसान होता है, हैरेसमेंट होता है, फाइनेंशियली भी इफेक्ट होता है उनको. तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि लोग जान पाए और अलर्ट हो. हेल्पफुल रहा होगा ये वीडियो आपके लिए. थैंक यू. नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे ऐसे किसी मुद्दे के साथ.